श्रोताओं, आज की पहेली ली है हमने श्रीमान सौरभ धाकड़ जी की। इनकी पहेली इस प्रकार है, मोए सुन सुन आवे हांसी, पानी में ही मीन है प्यासी। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको मिल सके सबसे पहले ऐसा प्यारा और सुंदर वीडियो जो कि ज्ञान से भरा हुआ है। तो आइए श्रोताओं, अब हम श्रीमान सौरभ धाकड़ जी के इस पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनकी पहेली है, मोए सुन सुन आवे हांसी, पानी में ही है मीन प्यासी। श्रोताओं, इनकी जो ये पहेली है ये कबीरदास जी की उलटवासी है, और उलटवासी का अर्थ इतना सहज नहीं लगता है, और वो भी उलटवासी कबीरदास जी की है। लेकिन मैं इस उलटवासी का अर्थ लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रोताओ, यहाँ कबीरदास जी ने समझाया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, तू क्यों पागल हो रहा है? तेरी बातों को सुन सुन करके तो मुझे हंसी आती है। अरे जो तू कुछ कह रहा है मुझे सुन सुन के हंसी आ रही है, क्योंकि ये तो ऐसा ही है तेरा जो सिस्टम है, जैसे पानी में मीन प्यासी, अर्थात जल में मछली प्यासी हो। वो कैसे? जैसे मनुष्य जैसे एक मृग कस्तूरी को ढूंढता फिरता हुआ जंगल में चला जाता है। कस्तूरी की सुगंध आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कस्तूरी तेरी नाभि में है। उसी प्रकार से मनुष्य भी भगवान के पीछे पीछे घूमता है, भगवान को ढूंढता है कि भगवान तो मुझे मथुरा में मिलेंगे, अरे मुझे उत्तराखंड में मिलेंगे, मुझे काशी में मिलेंगे। इस प्रकार से मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है, लेकिन उस मनुष्य को यह नहीं पता कि हे मनुष्य, ईश्वर कहीं नहीं है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, ऐसे ही तेरे हृदय के अंदर स्वयं भगवान है, क्योंकि आपने एक दोहा भी सुना होगा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी होती है। तो ऐसे ही सभी देवताओं का निवास मनुष्य के अंदर ही है, और मनुष्य भगवान को ढूंढे फिर रहा है, जबकि वह भगवान मनुष्य के अंदर ही है। कि मनुष्य, तू आत्मज्ञान कर, जब तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा तो तुझे भगवान को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान तेरे अंदर ही है। और जब तेरी आत्मा का परमात्मा स्वरूप ज्ञान मिल जाएगा तो फिर तू नहीं भटकेगा, और तुझे तेरे अंदर ही जो जैसा तेरा स्वरूप है उसके अंदर ही तुझे स्वयं भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अरे तेरा सिस्टम तो तूने ऐसा बना रखा है जैसे कि पानी में मछली प्यासी होती है, अर्थात वह जल में ही निवास कर रही है, लेकिन फिर भी अगर वो कहे कि जल के अंदर रहकर भी मछली प्यासी है, तो हे मनुष्य, यही तेरा सिस्टम है।
कि तेरे अंदर स्वयं भगवान है, नारायण भगवान है, लेकिन तू मछली की तरह भटक रहा है। कभी भगवान के दर्शन करने के लिए मथुरा जाता है तो कहीं गोकुल में ढूंढता है, तो कहीं बरसाने में ढूंढता है, कभी कभी उत्तराखंड में भी चला जाता है, तो कभी द्वारका में ढूंढता है, कहीं अयोध्या में ढूंढता है। अरे मनुष्य, ईश्वर तो एक ही है, तो उसको कहाँ ढूंढ रहा है? वह जो ईश्वर है वह तेरे शरीर के अंदर ही है, तेरे दिल के अंदर ही है। इस प्रकार से कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, वो सुन सुन आवे हांसी, पानी में ही मीन प्यासी। अरे मुझे सुन सुन के ये हंसी आ रही है। तेरा सिस्टम तो ऐसा है जैसे कि जल में मछली प्यासी है, उसे प्रचुर मात्रा में जल है लेकिन उसमें वो प्यासी है। तो श्रीमान सौरभ धाकड़ जी, हमने आपकी पहेली का जवाब प्रस्तुत कर दिया है। एक बार शॉर्ट में दोबारा और बताते हैं। जिस प्रकार से एक मृगी होती है और कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध को पाकर के उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए वह मृगनी, वह मृग जंगल जंगल भटकता है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर स्वयं भगवान है, लेकिन उसे पाने के लिए काशी मथुरा वृंदावन बहुत सारी जगहों पर घूमता है। श्रोताओ, हमने दूसरा उदाहरण आपको और भी दिया। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहीं दूसरी जगह है ही नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर ही है। इसलिए ये मनुष्य तू आत्मज्ञान कर, बल्कि तू मथुरा वृंदावन काशी मगहर इन जगहों पर मत घूम, क्योंकि ईश्वर तो तुझ में निवास करते हैं स्वयं ही, लेकिन तूने अभी पहचाना नहीं। इसलिए मुझे सुन सुन करके हांसी आ रही है, और ये तो वही सिस्टम है जैसे कि जल में मछली प्यासी हो। अर्थात भगवान तेरे अंदर हैं और तू भगवान को ढूंढते ही जा रहा है, ढूंढते ही जा रहा है। तो श्रीमान सुरेश धाकड़ जी, आपकी पहेली का अर्थ लग चुका है। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।